SC/ST एक्ट के संशोधन विधेयक को लेकर सवर्ण समुदाय मोदी सरकार से खफा है। इसके विरोध में वो जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और गुरुवार को भी उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है। सवर्णों की इसी नाराजगी को अब कांग्रेस ने भुनाना शुरू कर दिया है। तभी तो सवर्णों को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ऐसा बयान दिया जिस पर राजनीति गरमाना तय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में ब्राह्मण समुदाय का DNA है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी पर अक्सर मुस्लिमों की पार्टी होने के आरोप लगते रहते हैं। इन आरोपों से बचने के लिए पार्टी लगातार कोशिशें कर रही है। इन सब के बीच अब कांग्रेस ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। कुरुक्षेत्र में ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि कांग्रेस के खून में ब्राह्मण समाज का DNA है। कांग्रेस से दूर होते ब्राह्मण वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए सुरजेवाला ने कई ऐलान भी किए। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसके लिए प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन और ब्राह्मण युवाओं को 4% ब्याज पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। उन्होंने गरीबों के लिए 10% आरक्षण का भी आश्वासन दिया। सुरजेवाला ने कहा कि आज़ादी के लड़ाई के पहले और बाद में आपने बहुत योगदान दिया है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, मदन मोहन मालवीय, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब राहुल गांधी नेतृत्व को आगे बढ़ा रहे हैं। ब्राह्मणों को साधने के लिए जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां गिनाई तो वहीं मोदी सरकार को भी घेरा। उन्होंने राहुल गांधी की कैलाश मानसरोवर यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने उनकी यात्रा में बाधा पहुंचाने की कोशिश की थी। BJP ने ब्राह्मण समाज के साथ विश्वासघात किया है। प्रदेश की खट्टर सरकार ब्राह्मण समाज के प्रति घृणापूर्ण व्यवहार रखती है। ऐसी सरकार को सबक सिखाना होगा। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी सुरजेवाला ने गुजरात चुनाव के दौरान राहुल गांधी को जनेऊधारी हिंदू बताया था। उस समय भी उनके बयान पर काफी हंगामा बरपा था और इस बार भी घमासान छिड़ना तय है। DB Live की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें।